हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि बिग कंटेनर्स में लगा सकते हैं। कई बार हमें ऐसे ऑफिसेज में या बड़े गार्डन्स में ऐसे प्लांट्स की जरूरत होती है जो कि बड़े कंटेनर में लग सकते हैं, 20 इंच वाले में। ये देखिए, इसको बाहर नहीं आने दे रहे हम, अंदर से देख रहा है। तो उन पे आज बात करूंगी कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आप 20 इंच के गमले में लगा सकते हैं। देखिए, ये जो मैं लेके आई हूँ ना, आउल वाले प्लांटर, इनको मैं यहाँ रखने वाली हूँ, यहाँ पे रखूंगी। ये जो एस्पेरेगस हैं, ये इनमें लगा दूंगी सारे, और एक लाइन पूरी इनकी बहुत खूबसूरत लगेगी, यहाँ पर लगेगी, इसलिए ये मैं 5-6 लेके आई हूँ। तो चलिए फिर हम उन प्लांट्स की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, ये देखिए इससे कर लेते हैं। ये है शेफलेरा। शेफलेरा ये ग्रीन वाला है। एक शेफलेरा वेरीगेटेड पत्तों वाला भी आता है, इस तरह के वेरीगेटेड, मतलब कलर शेप ऐसी नहीं, शेप तो इसी तरह की होगी, ऐसा वेरीगेशन होता है उनके पत्तों में, वो आता है। देखिए कितना छोटा सा पौधा लगाया था ये मैंने, और अब देखिए ये कितना बड़ा, ये 16 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो ये जो पौधे हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, 16 से 20 इंच में लग सकते हैं। अच्छा, इसको एक और चीज है, जैसे मेरा तो ये यूं ग्रो कर रहा है, अगर नीचे से इसको हम काटते जाएं तो ऊपर से ये स्मॉल ट्री जैसे भी आप, ऊपर अम्ब्रेला सी बन जाएगी, नीचे थिक स्टेम हो जाएगा, उससे भी इसको आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज इस प्लांट की एक और है कि कहीं से भी, जैसे आप ऐसी कटिंग लाके इतनी थिक, जैसे ये देखिए इतनी थिक कटिंग ले लें आप, तो ये कटिंग से भी लग जाता है बहुत अच्छी तरह। फिर एक ये प्लांट है, ये मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया था, 7-8 फीट, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, वीडियो डाली थी, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। ये बहुत बड़ा हो गया था, देखिए ये यहां से आपको इसका कट दिख रहा है, ये यहां से कटिंग करके इसकी मैंने यहाँ कटिंग्स लगा दी थी। अब उन कटिंग्स को रिपोर्ट करूंगी, तो ये देखिए ये कटिंग दिख रही है आपको, टेढ़ी भी हो गई है, ये देखिए कटिंग लगा दी थी। तो ये जो है विक्टोरिया प्लांट, ड्रेसिना विक्टोरिया, ये भी आप बड़ा पौधा अगर खरीदते हैं 3-1 फीट का बाजार से, तो इसको भी आप 16 से 20 इंच तक के गमले में बड़े में लगा सकते हैं, और बड़ा ऊंचा तक जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है, ये लंबा हो जाता है जब, और इसकी कटिंग करके बाद में 2-3 प्लांट बना सकते हैं। तो एक ही गमले में 2 या 3 कटिंग्स ऐसे लग के बड़ी होती हैं, तो ये और भी खूबसूरत लगता है। फिर देखिए इस तरह वाला, मेरे को एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता है, ये देखिए ये वाला क्रोटन है, ये है क्रोटन पेट्रा, ये बहुत बड़ा जाता है। देखिए मेरे ये दोनों पौधे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये जो है, ये भी बड़े गमलों में मैंने 16 इंच में लगाया हुआ है, 16 से 20 इंच के गमले में। ये वाला जो क्रोटन है स्पेशली, ये जो पेट्रा है, ये बहुत अच्छा और बहुत इजीली ग्रो करता है अगर आपको बड़े गमलों में। और ये देखिए, ये है लेडी पाम, ये भी पाम की बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो बड़े गमलों में अच्छी लगती हैं। ये लेडी पाम है, ये बड़े गमले में आप लगा सकते हैं, मैंने 16 इंची में लगाया हुआ है, आप इसको 12 इंची में भी लगा सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी कलरिंग वगैरह के बाद शिफ्ट किया है ना, तो इन्होंने गलत डायरेक्शन में रख दिया है, कलर वालों से ही मैंने लगवाया था, तो उन्होंने ये दीवार के पास पड़ा होता है, तो इसका ये फ्रंट रहता है, तो देखिए इस तरह से लगता है ये। तो ये आप बड़े गमलों में, और ये बहुत ऊंचा तक चला जाता है, 8-8 फीट तक, अगर आप इसको 20 इंच के गमले में लगाएं बहुत खूबसूरत लगता है, अगर खुली बहुत जगह है आपके पास उसमें लगाएं इसको। ये अरेका पाम है, इनको भी आप देखिए मैंने 20 इंच में लगाए हुए हैं, अभी आज इनकी मैंने कटिंग वगैरह करी है, और इसलिए थोड़े से आपको हल्के दिख रहे होंगे ये, और थोड़ा ना अभी जैसे दोबारा गमले पेंट वालों ने रखे हैं ना, तो उन्होंने थोड़ा सा उनका ना साइड चेंज कर दी, तो कहीं कहीं से ये आपको हल्के लगते हैं। ये बहुत अच्छे प्लांट हैं बड़े गमलों में लगाने के लिए। और ये देखिए, ये सुदर्शन, ये एक तरह की एक्चुअली लिली की वैरायटी है सुदर्शन, इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसके फ्लावर्स की। देखिए मैंने भी 20 इंच के गमलों में ही लगाया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लगता है 20 इंच के गमलों में।
ये देखिए फिनिक्स पाम, ये दो मैंने जो रखे हुए हैं, ये जो आपको सूखा हुआ दिख रहा है ये जूही का बेल है, और ये लगा हुआ एक्चुअली 12 इंच के गमले में है, छोटे से गमले में। देखिए तो पानी इसको एक दो दिन नहीं बीच में दिया, रंग वंग हो रहा था जब, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई। और वैसे भी जूही की जो बेल है ये अब सर्दियों में बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाएगी, और फिर फरवरी में इसमें दोबारा से पत्ते वगैरह आते हैं। तो ये ना सोचें आपके ये कोई मरा हुआ पौधा है। वो देखिए ऊपर तक कैसे जा रही है, ये मैंने भी 20 इंच के गमले में लगाया हुआ है, इसको आप 16 में भी लगा सकते हैं, 20 में भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग करी हुई है, अच्छी सी हार्ड सी प्रूनिंग कर दी थी। ये वेरीगेटेड बेनियन है, आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि ये वेरीगेटेड पत्ती वाला, इसमें अभी थोड़ी सी बड़ी होंगी पत्तियां तो पीले रंग की शेड आएगा इसमें, तो ऐसा मेरे पास ये बरगद बेनियन जिसको कहते हैं वो प्लांट है। ये बहुत लंबा हो गया था तो मैंने ये सारा यहाँ से काट दिया, मुझे बहुत ऊंचा बहुत नहीं चाहिए था, तो ये बड़े गमलों में बहुत अच्छा लगता है। देखिए नोलिना पाम, ये भी बड़े गमले में अच्छा लगता है। इसको क्या है यहाँ नीचे से नीचे वाली इसकी पत्तियाँ काटते जाएँ तो ये ऊपर से बड़ा होता जाता है। देखिए ये पहले छोटा सा था, अब ये काफ़ी, ये मेरा 10 साल पुराना पौधा है। देखिए नीचे से इसका कॉडेक्स, ये देखिए ये साइकस है। साइकस भी आप बड़े से बड़े, जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाए बड़े गमले में लगाएं। ये एक्चुअली 20 इंच के गमले से भी ज़्यादा, 20 इंच के कुंडे में आप इसको लगाएंगे ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये शैम्पेन पाम मैंने लगाया हुआ है, 20 इंच में ही है ये, इसके नीचे देखिए ये 20 इंच नहीं, ये 16 इंच में है एक्चुअली। ये भी 20 इंच या 16 इंच के पॉट में बहुत अच्छा लगता है। चंपा का पौधा आप जानते होंगे, चंपा मैंने बाहर रखा हुआ है, अब इस टाइम में बाहर नहीं जाना चाहती। देख ये देखिए फरकेरिया, एक दो फरकेरिया थे मेरे पास, एक मैंने किसी को दे दिया, जगह नहीं थी, इधर पड़ा हुआ था, इधर दीवार बन गई है। फरकेरिया भी बड़ा हार्डी प्लांट है और बड़े ऐसे कुंडे में आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी अभी थोड़ी क्लीनिंग की ज़रूरत है मुझे, लेकिन वही है अभी मैं विंटर गार्डन में बिजी हूँ तो इसकी क्लीनिंग भी करूँगी अब। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपको मैंने प्लांट, अभी और भी प्लांट्स हैं मेरे टॉप टेरेस पे जो मैं आपको अभी, ये मेन आपको मैंने बता दिए, नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगी। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनको हम बड़े गमले में लगाएं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कई बार हमारे यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बड़ा सा गमला हो और ऊँचा सा पौधा हो, खूब 7-8-9 फीट का, तो उस जगह में सूट करेगा, तो हमें उस टाइम पता नहीं होता कि हम क्या प्लांट्स लेके आए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना के दिखाई है। देखिए लियो कैसे बदमाशी कर रहा है पौधों के बीच में घुस के, तो कैसे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिएगा, लियो बाहर आओ, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करा करें। तो ओके फ्रेंड्स बाय। ये देखिए आ रहे हैं महाराज, लिखो बाय, बैठ जाओ, सिट सिट मेरा बेटा, सिट, शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय।